Realme XT। और अगर आप इस वाले फोन को लेने की सोच रहे हो तो रुको भाई, इस फोन को आए हुए 3 साल हो चुका है इंडिया में और मैं इस वाले फोन को काफी दिनों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और मेरे को इस वाले फोन में काफी इम्प्रेस करा भाई, जो कि अभी के फोन में नहीं होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये भाई कि ये इंडिया का पहला स्मार्टफोन था जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में हम सारी बातें करेंगे यार कि आपको इस वाले फोन को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस फोन में क्या अच्छा मिलता है क्या खराब मिलता है, सारी बातें बताऊंगा। तो अगर आप उससे पहले चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। तो चलो, वैसे दोस्तों Realme ने इसको 3 वेरिएंट के साथ लॉन्च करा था। स्टार्टिंग वेरिएंट 464 थे और 8128 लास्ट जाते थे। करंट टाइम की प्राइस की बात करें तो अभी भी Realme वाले इसके लिए 17,000 रुपया ले रहे भाई। लेकिन भाई क्या आप 3 साल पुराना 17,000 में नया लोगे? खैर दोस्तों, अगर देखो डिजाइन देखूं मैं इस वाले फोन का तो भाई सही में लगता है कि हाँ चलो अभी भी इस वाले फोन के लिए हम 17,000 रुपया दे सकते हैं डिजाइन के ऊपर, क्योंकि डिजाइन अभी भी इसका काफी प्रीमियम है। इवन दोस्तों ग्लास का यूज करा गया है तो और कॉम्पैक्ट है, वन हैंड यूज के लिए भी काफी सही है फोन। और भाई सारे पोर्ट्स एंड बटन दे रखे हैं तो कहीं पे भी कंजूसी नहीं करा गया था। वेल अगर बात करें डिस्प्ले की तो इस वाले फोन में आपको एक एमुलेट डिस्प्ले लगी हुई मिल जाती है और भाई नो डाउट भाई मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ इस वाले फोन के डिस्प्ले से। और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन लगा हुआ मिलता है तो काफी सही चीज है। अभी जो स्मार्टफोन आते हैं भाई उनमें तो प्रोटेक्शन भी नहीं होता अच्छा। और साथ ही भाई ये फोन वाइड बैंड 11 को सपोर्ट करता है और HDR 10 का सपोर्ट है तो भाई आपको कलर्स वगैरह काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं वीडियो में। बाकी भाई सब ये वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले है, इसमें कोई भी पंचोल देखने को नहीं मिलता। खैर डिस्प्ले में डाउनग्रेड देखो तो ये एक 60Hz का पैनल है जिस वजह से आपको उतना ज्यादा स्मूथ फील नहीं होगा। अगर मैं किसी को 120Hz वाली डिस्प्ले पकड़ा दूं और उसके बाद इसको मैं पकड़ा उसको तो उसको काफी स्लो लगेगा स्क्रॉलिंग वगैरह करते टाइम। बट ऐसा फर्स्ट टाइम कोई पकड़े ना 60Hz का पैनल तो उसको भाई ये भी मक्खन लगेगा, ये भी रॉकेट की तरह उड़ता समझ में आएगा। बाकी भाई देखो एमुलेट डिस्प्ले है तो एमुलेट का फुल फायदा उठाया गया है। जनरली अभी क्या होता है जो स्मार्टफोन ब्रांड एमुलेट देती है वो साइड माउंटेड ही फिंगरप्रिंट चिपकाते हैं, बट इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है और थोड़ा सा डिले है जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, डे टू डे में आपको महसूस नहीं होगा। और अगर दोस्तों मैं कैमरे की बात करूं भाई 4-4 कैमरे, उस टाइम को तो ट्रेंड चल रहा था यार 4 कैमरे वाला स्मार्टफोन लेना है मेरे को। और फोटो सैंपल दिखाने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले जो भी स्मार्टफोन आया करता था ना भाई उसमें ना सेंसर यूज हुआ करता था। अब देखो इसमें आपको प्राइमरी सेंसर में सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिल जाता है और सेल्फी कैमरे में आपको सोनी का सेंसर देखने को मिल जाता है। बट अभी अगर आप इसी प्राइस पॉइंट में देखो तो वहां पे भाई आपको नॉर्मली 64 मेगापिक्सल 50 मेगापिक्सल ऐसा बोल देंगे, बाकी सेंसर वगैरह नहीं देते वो लोग। अब फोटो वगैरह की बात करें तो देखो इसमें एक AI मोड दे रखा है और AI मोड में मेरे को काफी ज्यादा इंप्रेस करा ये फोन भाई। वहां पे कलर्स वगैरह थोड़ा सोशल मीडिया रेडी टाइप वाली आती है। बाकी भाई हमने नॉर्मल मोड HDR AI तीनों पे ही ट्राई करा फोटो लेकर और यहां पे मेरे को डिटेलिंग वगैरह काफी अच्छी लगी। बाकी पोर्ट्रेट वगैरह में भी काफी अच्छी फोटो ले लेता है, एज डिटेक्शन प्रॉपर करता है। अब देखो सेल्फी कैमरे से भी हमने फोटो लिया, सेल्फी कैमरे में थोड़ी सी जरूरत थी इंप्रूवमेंट की, यहाँ पे लाइट कंट्रोल वगैरह थोड़ा सा अच्छा नहीं करता है बट ओवरऑल क्वालिटी आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे ये है ना दोस्तों कि ये वाला जो फोन है ना 4K वीडियो 30fps पे रियर कैमरे से रिकॉर्ड कर सकता है और फुल HD वीडियो 30fps पे फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर सकता है। तो नो डाउट भाई कैमरा डिपार्टमेंट में देखो, अगर मैं 15,000 में देखो तो 15,000 के रेंज में इस वाले फोन का जो कैमरा है वो कहीं ना कहीं स्टैंड आउट कर जाएगा। बट 17-18 हजार के रेंज में उतना अच्छा कैमरा मैं नहीं कहूंगा, जिस टाइम को आया था उस टाइम को काफी सही था बट अभी के हिसाब से उतना सही कैमरा नहीं है। अगर आप इस वाले फोन के लिए 17-18 हजार रुपया दे रहे हो तो 165 ग्राम इसका वेट है और उसका रीजन है बिकॉज इसमें आपको 4000mAh की बैटरी लगी मिलती है। बैटरी बैकअप आपको ठीक ही ठाक मिल जाएगी, उतना अच्छा भी नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप हेवी यूजर हो तो दिन में आपको 2 बार चार्ज करना पड़ेगा, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो दिन भर आपका तो इजिली चल जाएगा। बाकी भाई चार्जिंग वगैरह काफी फास्ट है, कब चार्ज हो जाएगा फोन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक बेनिफिट है कि भाई बैटरी एमएच कम है बट चार्जिंग स्पीड जो है ना वो ज्यादा है, 20W का आपको कम लगता होगा। अब देखो दोस्तों बात करें इस वाले फोन की सॉफ्टवेयर की तो इस वाले फोन में अभी के टाइम पे एंड्रॉइड 11 चल रहा है और अभी ये फोन Realme UI 2.0 पे रन कर रहा है और इसमें अभी एंड्रॉइड 12 वगैरह का कोई भी अपडेट पुश नहीं करेगा Realme। अब देखो बात करें इस वाले फोन के प्रोसेसर की तो इस वाले फोन में प्रोसेसर जो है स्नैपड्रैगन 712 और इसके साथ आपको इसमें LPDDR4X RAM UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। ऐप ओपनिंग ऐप क्लोजिंग थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा अभी नए स्मार्टफोन के कंपैरिजन में और इस वाले फोन में Antutu वगैरह मैंने रन किया था, ऑलमोस्ट 3 लाख के प्लस Antutu स्कोर लेके आया है। बाकी सारा टेस्ट आप देख लो, यहाँ पे काफी अच्छे से कंट्रोल था ये वाले फोन जो भी मैंने टेस्टिंग करी। अगर आप हल्का फुल्का हेवी यूज करो फोन को तो फिर उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब देखो Realme वाले ने 2019 के हिसाब से इस वाले फोन में काफी इंटरेस्टिंग काम करा था भाई, इसमें कूलिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है, गेम मोड भी देखने को मिल जाता है, तो ये सारी चीज अभी स्मार्टफोन ब्रांड दे रही है। बाकी भाई इस वाले फोन में आपको 4G+ का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, कॉल रिकॉर्ड वगैरह
आप बिना किसी को बताए हुए कर सकते हो। बाकी भाई ओवरऑल फोन में काफी कुछ अच्छा भी है और काफी कुछ बेकार भी है। लाइक देखो अभी के हिसाब से मैं इस वाले फोन को देखू ना, तो इस वाले फोन में एक रिफ्रेश रेट की कमी है, दूसरा भाई बैटरी एमएएच थोड़ा और ज्यादा होना चाहिए अभी के हिसाब से, तीसरा भाई कि ये फोन एक 5G फोन होना चाहिए, क्योंकि भाई जनरली अभी 16-17 हजार के रेंज में 5G फोन मिल जाता है, तो 4G को लेके फिर पैसा बर्बाद क्यों करना भाई। तो ये तीन चीज है जिस वजह से भाई अभी आपको इस वाले फोन को नया तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ये फोन सेकंड हैंड मिल रहा है फैमिली से, रिलेटिव से, ऑयलिक से, तो अगर आपको 7 से लेकर 9 तक के बीच में ये फोन अभी के टाइम पे सेकंड हैंड मिल रहा है तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। और अगर आप इस वाले फोन को ले रहे हो तो ये भी आप देख लेना कि फोन कितने दिन का चला हुआ है, 2 साल से अगर प्लस होगा तो फिर आप मत लेना। बाकी इस वाली वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और भाई बेल आइकन को ऑल पे रखना। मिलते फिर से किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाई।